बेमाही तो देखो हर गाना एक बेबी की तरह होता है, ठीक है, वो पैदा होता है और पैदा होकर बड़ा तो नहीं हो जाता है, उसका एक प्रोसेस रहता है। तो हर गाने का एक प्रोसेस रहता है, कोई जल्दी प्रोसेस रहता है, कोई कोई मतलब एकदम स्लो रहता है। तो बेमाही थोड़ा जल्दी वाला प्रोसेस था, उसमें मेरे को बहुत कम टाइम मिला था बनाने के लिए, क्योंकि कल जरूरत था और आज मुझे बनाना था, ऐसा था। तो उसी दौरान मैं थोड़ा सा गुजर भी रहा था, मैं मतलब इमोशन से कुछ मतलब जिंदगी में बहुत कुछ चलता है ना, देखो फाइनेंशियली भी क्या है सॉरी फाइनेंशियली भी मैं उतना स्टेबल हूँ नहीं, काम बहुत कर रहा हूँ, लेकिन काम करते करते ये भी रियलाइज होता है कि पैसा कमाना भी बहुत जरूरी है। लेकिन ये फील्ड में अभी थोड़ा सा अलग ही मामला है। अभी कैसा है कि आपको शायद पता रहेगा, जब प्लेन प्लेन होता है ना, प्लेन के पायलट रहते हैं, उनको एग्जाम में बार बार बैठना पड़ता है, प्लेन चेंज होता है तो उससे फिर से एग्जाम देना पड़ता है। तो ये म्यूजिक इंडस्ट्री भी वैसी है, हर गाना तो आपको एग्जाम की तरह ट्रीट करता है। तो वही एग्जाम की तरह मैंने ये गाना भी ले लिया कि एक दिन में मुझे एग्जाम पास करना है। तो मैं अपना जितना इमोशन था वो गाने पे डाल दिया एंड फाइनली वो गाना बना और गाना हिट हुआ। तो मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये सक्सेस है, मतलब अगर मैं सही तरीके से अपने इमोशन को लिख पाऊं तो लोगों तक पहुंच जाता है। तो केसरी का यही जर्नी था और मूवी भी इतना टच है बढ़िया। तो हाँ, पिक्चराइजेशन भी बहुत बढ़िया हुआ था जो फ्लैशबैक में आता है, सो यार बहुत अच्छा शूट किया हुआ है। कंपोजिशन भी बढ़िया था, वो क्या करुण प्रिय जिसको बोलते हैं ना, वे माही स्मूथ 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 चलता रहता था। ओके।